इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इसीलिए। तो अब बात करते हैं कि अब इस गाड़ी का जो भी काम था उसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस तरफ से ना मैंने रैप हटा दिया, तो मेरे को रैप का रिस्पॉन्स तो काफ़ी हद तक पता लग गया है, बैक साइड में भी कम आया है यहाँ पे। तो आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैंने अपनी कार क्यों सेल आउट कर दी। तो सेल आउट करने के पीछे रीज़न जो था वो यही था कि हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड यू वॉचिंग दीप्स क्रिएशन, एंड आई एम दीपांशु दीप। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10 AM। और आज का जो व्लॉग होने वाला है, थंबनेल से आपने वैसे पहचान ही लिया होगा कि हमारी टाटा इंडिका विस्टा हमसे थोड़ी दूर जा रही है। और अब मेरे पास इसके अलावा कोई और व्हीकल नहीं होगा। तो अभी देखो, मैं एक कार देख रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी इधर से आएगी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से मॉडिफाइड की हुई है ये शिफ्ट किसी ने। नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा ध्यान थोड़ा गाड़ी की तरफ चला गया था, तो अब हम वापस आ जाते हैं इसी तरफ कि मैं अपनी टाटा इंडिका विस्टा को सेल कर रहा हूँ, जो कि 2009 मॉडल है। और मेरे पास ये 2019 में आई थी अक्टूबर में, और अभी तक लमसम इसको हो चुका है 1.5 ईयर से ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेमरीज इसके अंदर मैंने स्पेंड की है, और काफ़ी लेस यूज़ की है, क्योंकि जब मैं लाया था ये 58,900 चली हुई थी, और आज ये चल चुकी है 63,200 प्लस, मतलब 300 के अप्रोक्स। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, जैसी भैया ने मुझे दी थी जिनसे मैंने परचेस की थी ये कार, मैंने भी इसको उसी कंडीशन में रखा है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम थी ही नहीं। मैंने सिर्फ इसकी सर्विसिंग कराई है और इसको चलाया है, उसके अलावा कोई इसने कभी मेरे को प्रॉब्लम दी नहीं। तो बाकी मैंने एडिशनली इसमें जो खर्चे किए थे वो अपने वीडियोस में देखे ही हैं कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवाया था। और अब ये कार किसी और के पास जा रही है, होप सो उनको भी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको भी काफ़ी लेस यूज़ करनी है, बहुत कम यूज़ होगी उनके पास भी। और देखते हैं अब मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो यार, जब से मैंने कार ली है उसके बाद लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद गाड़ी खड़ी ज़्यादा रहती है, और जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उसके अंदर आगे पीछे आने वाली कार्स भी लग जाती है कई बार। और मैंने काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह गाड़ी पे पड़ते जा रहे थे, और फिर मैं अपनी गाड़ी को इस तरीके से नहीं देख सकता था, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी थी, जिसको देख करके मेरे को लग रहा था कि मेरे को अपनी कार अब सेल कर देनी चाहिए। और इन फ्यूचर हो सकता है हम दोबारा कोई और कार ले लें, बट थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कार का कोई मेरे को इतना ज़्यादा यूज़ है। और ये कार तो मैंने सिर्फ शौक़ के लिए ले ली थी कि गाड़ी होनी चाहिए, घर में गाड़ी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट अभी मेरे को इतनी ज़्यादा कोई नीड नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ऑल्टो और एक स्विफ्ट है जो कि मेरी फैमिली में ही है, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उनको ले आता हूँ, उनको यूज़ कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है इसीलिए। तो अब बात करते हैं कि अब इस गाड़ी का जो भी काम था उसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो इसमें मैंने रैप करवाई थी वो रैप थोड़ी लीगल नहीं है, थोड़ी क्या मतलब पूरी बिल्कुल ही लीगल नहीं है वो। और लीगल से इलीगल से लीगल बनाने के लिए हमें इस रैप को हटाना पड़ेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि हम इस रैप को भी हटा करके देख लेंगे कि इसके अंदर से कोई गम वाली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कि गम वगैरह तो नहीं निकल रही है, और इजली रैप हट रही है या नहीं हट रही है। और ये काम मैंने जो करवाया था करोल बाग में, यश ग्राफिक जो है उनसे करवाया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम उस टाइम उन्होंने किया था, और अभी तक रैप चल गई है अच्छी खासी, बट थोड़ा लेस प्राइस में ही था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस मतलब इससे रखता नहीं हूँ। और देखते हैं बाहर चल के कि किस तरीके से इसको हटा करके क्या देखने को मिलता है, और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार मतलब रैप करवाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम भी मुश्किल था, कि मैंने बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी गाड़ी के अंदर, मोड्स काफ़ी सारे हुए थे। तो अब रैप को हटा करके देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स था रैप का। तो गाइस, कुछ इस तरीके से रोड साइड मेरी कार खड़ी होती है, और देखो कि किस तरीके के स्क्रैचेस इस पर आ गई हैं,
और इस पर हमेशा कुत्ता चढ़ रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और देखो इतनी ज़्यादा मतलब गंदी हो गई गाड़ी, रोड साइड जो गाड़ी खड़ी रहती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम तो आती ही है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होने लगी थी, जैसे ये साइड मिरर टूट गया था तो मैं दूसरा लाया था, इसको पेंट कराने तक का भी टाइम नहीं मिला अभी तक, इसको पेंट करवा लूँ। और आप देख सकते हो कंडीशन किस तरीके की है गाड़ी की। तो इस तरफ से ना मैंने रैप हटा दिया, तो मेरे को रैप का रिस्पॉन्स तो काफ़ी हद तक पता लग गया है। तो मैंने जब रैप हटाई, देखो ये इन्होंने जो बॉर्डर लगाया था ना, बॉर्डर को ना हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया, ये बॉर्डर ना हट ही नहीं रहा है, ये टूट रहा है बार बार बॉर्डर। बट जो रैप थी वो ईजिली हट गई थी, रैप का जो भी था और इसमें कोई भी कम नहीं ये दोनों। और मैं उस साइड से आपको हटा करके जब दिखाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा। और ट्रैफिक की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चलते थोड़ा उस तरफ। देखो इस तरफ भी अभी किसी ने स्क्रैच मार दिया, ये मतलब रोड साइड खड़ी होती है गाड़ी तो कोई ना कोई कुछ स्क्रैच मार ही देता है। तो भाई इस तरफ की रैप मैं आपको हटा करके दिखाऊंगा कि इस तरीके से रैप का क्या रिस्पॉन्स है। तो पहले मैं थोड़ी सी रैप हटा लेता हूँ, फिर मैं आपको पूरी तरीके से हटा करके दिखा देता हूँ। सो गाइज आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ मैंने रैप हटा लिया है, और मैं आपको ये रैप हटा करके दिखाता हूँ इधर से। ये देखो मतलब इतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके अंदर मेरे को इसको हटाने के लिए। अब यहाँ पे एक कट था तो यहाँ से हट गई है, और ये देखो कोई मतलब यार इसके अंदर कोई भी कोई चिपचिपाहट नहीं है, और बहुत ज़्यादा सही रैप थी। मतलब रैप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये जो इन्होंने बॉर्डर लगाया ना, इस बॉर्डर को हटाना बहुत मुश्किल होने वाला है। और देखता हूँ इस बॉर्डर को किस तरीके से मैं हटा सकता हूँ। वैसे अब मैं देखो इधर की भी रैप हटा देता हूँ आगे की, तो इसको थोड़ा सा मेरे को पहले हटाना पड़ेगा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने रैप हटाई, ये देखो इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। ये देखो ये देखो इस तरीके से ये रिस्पॉन्स है रैप का, ये देखो। तो किसी तरीके की इसमें कोई गम नहीं छोड़ी, ये देखो बैटरी पूरी रैप, और ये देखो एकदम सरफेस। और अगर आपको लग रहा है कि मैं हाथ तो ज़्यादा उससे कर रहा हूँ, वो कुछ मैं कोई कपड़ा वगैरह रख करके दिखाया था आपको, तो ये देखो अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो गिर गया, ये देखो मैं इसको ऐसे दिखा। तो इस तरीके से कोई चिपचिपाहट है ही नहीं इस रैप के अंदर, तो रैप तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन की है। तो अब मैं इसको हटा लेता हूँ, फिर आपसे कुछ बातें करता हूँ। मैंने यहाँ से साइड से तो पूरी रैप हटा दी थी, और इसका ये जो बॉर्डर था ये बहुत मुश्किल हटाना, तो इसको लास्ट में हटाऊंगा। तो मैंने अभी यहाँ से रैप हटा के देखी, तो यहाँ पे मेरे को कुछ देखो गम दिख रहा है कि इस साइड कुछ गम आया है। चलो ये तो साफ़ हो जाएगा, तो इजीली बहुत साफ़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। और बैक साइड में भी गम आया है यहाँ पे, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो ये रिस्पॉन्स दिखाना आपको ज़रूरी था, क्योंकि इसके ऊपर एक जो मैंने वीडियो बना रखी है रैप वाली, अगर आपने नहीं देखी और मैंने कहाँ से रैप करवाया था तो वो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे, मैं इसको रैप को हटाता हूँ और आपसे अंदर चल के बात करता हूँ। गाइस हमारी टाटा इंडिका विस्टा जा रही है, और इसकी जो रैप थी वो मैंने हटा दी थी, बट थोड़ी बहुत इसमें रह गई थी जैसे कि आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो अंकल जी ने कार परचेज़ किया और ये जा रही है, और इंडिका विस्टा का सफ़र यहीं तक अब खत समाप्त होता है। सो गाइज अब है दूसरा दिन, जिस दिन मैंने अपनी गाड़ी सेल कर दी थी वो भी 14 जुलाई, और ये वीडियो स्टार्ट हुई थी 12 जुलाई को, और 12 जुलाई से जब से मतलब मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन, और उसके बाद जो उन्होंने मेरी कार परचेज की है उनसे बात होनी टाइम मतलब कुछ टाइम तक वो आए नहीं, और वो आए फिर 14 जुलाई को, 2 दिन के बाद। तो कल मैंने अपनी कार 14 जुलाई को सेल कर दी थी 2 बजे करीब, और आज है 15 जुलाई, और कल बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से मैं गाड़ी के साथ कोई वीडियो बना नहीं पाया। आपने भी लास्ट क्लिप देखी होगी जिस टाइम गाड़ी जा रही थी, तो बस वही एक क्लिप है मेरे पास, और मैंने आपको दिखा दिया था रैप का क्या रिस्पॉन्स है। तो उस रैप के बारे में अभी बात करते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि मैंने अपनी कार क्यों सेल आउट कर दी, तो सेल आउट करने के पीछे रीज़न जो था वो यही था कि गाड़ी मतलब यार खड़ी रहती थी, कोई ज़्यादा मैं चला नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि लॉकडाउन काफ़ी बार लग चुका है, अभी तक 2 बार लॉकडाउन लग चुका है, और मतलब मेरे को नहीं लगता कि गाड़ी ऐसे खड़ी रखना कोई वर्क है उसका फिर। और
अभी गाड़ी जब कंटिन्यू यूज में आती जाए तभी उसको रखना चाहिए था। और खड़े खड़े गाड़ी में कई बार, एक बार उसका साइड मिरर टूट गया था और एक बार उसकी बैक लाइट में किसी ने होल कर दिया था। स्क्रैचेस तो अनलिमिटेड हो चुके थे गाड़ी के ऊपर, मेरा काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए थे। और जैसे कि मैंने स्क्रैचेस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे कि एक डॉग था जो मेरी गाड़ी पर चढ़ता है हमेशा, मतलब वो उसी गाड़ी पर रहता था और रात को सोता हुआ गाड़ी के ऊपर ही था। तो उसको मतलब मैं उसको कुछ नहीं कहता था, मतलब मैं सिर्फ अगर उनको दिख जाता था तो मैं उसको हटा देता था, बट मैं कुछ नहीं कर सकता था इस चीज़ में भी। तो कोई सेफ पार्किंग थी नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गाड़ी को निकाल लेना चाहिए। और थोड़े टाइम के बाद हो सकता है नेक्स्ट लॉकडाउन दोबारा लग जाए, ऐसे कोई चांसेस अभी तक लग नहीं रहे हैं, और शायद ना लगे तो ज़्यादा अच्छा। थर्ड वेव आ गई तो एक लॉकडाउन और लग सकता है कभी भी। तो लॉकडाउन लगने के बाद अगर इन फ्यूचर मुझे लगता है कि अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, कि लॉकडाउन नहीं लगने वाला है आगे और कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी है, तब हम एक और कार परचेज कर लेंगे। और उस टाइम देखते हैं, कोई छोटी गाड़ी तो लेने का मन है नहीं, मतलब इस तरीके की तो हो जैसे मेरी विस्टा थी कि स्पेशियस थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो इसी तरीके की कोई गाड़ी लेने का मन है। देखते हैं क्या होता है, वो उस चीज़ की मैं अभी कोई कमिटमेंट कर नहीं रहा हूँ। और अब नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो आएगी अलॉयज के पेंट के ऊपर, क्योंकि अब मैं इस चीज़ से तो फ्री हो चुका हूँ कि गाड़ी की कोई टेंशन नहीं है। तो अब देखते हैं। और रैप का जो रिस्पॉन्स था काफ़ी ज़्यादा ठीक था, बट अगर आप मेरे को ठीक लगा, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि रिस्पॉन्स ठीक ठीक था हटाते वक्त, क्योंकि बॉर्डर जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि वो बॉर्डर मतलब बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं पील ऑफ नहीं हुआ कि बिल्कुल हट जाए, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा हटाना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बॉर्डर अगर SBI वीडियो देख रहे हो ना, तो भैया बॉर्डर लगाना बंद ही कर दो, या तो और या फिर जो आप रैप करते हो ना जिससे उसी से बॉर्डर लगाया करो। तो उसमें वैसे कोई ऐसी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, रैप ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप करवा सकते हो अगर आप करवाना चाहो तो, और आपका बजट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप होटल से भी करवा सकते हो जहाँ से आपको ठीक लगता हो। तो मैंने रैप का रिस्पॉन्स दिखा दिया पिछले एक साल में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यार, मतलब मेरे को नहीं लगता कि 1200-1500 रुपये में कोई इतनी ज़्यादा चल जाती है रैप। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कितने कितने पे किए थे, अगर आपको नहीं पता कि मैंने रैप को कितने पैसे पे किए थे तो उसको मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, जिसके मैंने रैप करवाई थी, उसके ऊपर एक वीडियो है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने प्राइसिंग लास्ट में बताई है वीडियो पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो इसी करते वीडियो को हम एंड, इसमें कुछ वीडियो में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मतलब इंस्टा चली गई है और अब गाड़ी के ऊपर कोई वीडियो आने नहीं वाली है, तो हो सकता है मैं किसी और कार के ऊपर कोई वीडियोज ले आऊँ, बट इंस्टा के ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी। तो इसी करते हैं वीडियो को एंड। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि आगे ब्लॉग्स आने वाले काफ़ी ज़्यादा तगड़े और बहुत सारा अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि अब हो चुका है हमारा कंटेंट चेंज और ये चेंजेस देखते हैं। बट एक लास्ट वीडियो जो अभी नेक्स्ट आने वाली है वो अलॉय के ऊपर आने वाली है। तो अलॉय व्हील की वीडियो के बाद मैं अपना कंटेंट चेंज कर रहा हूँ, एक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। तो उसके अंदर मैं देखते हैं किस तरीके से मोटर व्लॉगिंग भी स्टार्ट करूँगा। तो ऑप्शो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे आप देखते रहिए कि किस तरीके की वीडियो आती जाएगी, और कोशिश तो बहुत कुछ अच्छा दिखाने के लिए आप करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।